सबका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएस कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होगा वीडियो लास्ट तक देखना बिना कहीं स्किप करे। एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं गाइस इस बार जो एडमिशन है मेरिट बेस पे होगा, 10 12 पे होगा और की परसेंटेज सो फॉर्म भरने के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट आएंगी उनकी भी वीडियोज मैं आपके लिए लाऊंगा तो आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस नहीं किया तो कर लो जिससे क्या है कि जब भी मैं मेरिट लिस्ट की वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जो कि है ये ये वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो मोदी जी आपको मिलेंगे तो आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करिएगा यहाँ क्लोज लिखा रहता है आप क्लोज पर क्लिक कर दीजिएगा देन आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन बार पर एडमिशन फॉर सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चल रहा होगा आप उस पर क्लिक करिएगा देन न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी यहां पर आपको अपना सबसे पहले एक अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा गाइस इससे पहले मैंने जितने भी कोर्सेस हैं डी एस कॉलेज में कितनी फीस है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है उससे आपको देखना है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट यहां पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है देन अपना नेम अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है सो so, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिस आ जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी पर आपकी क्रीडेंशियल्स हैं वो सेंड कर दिए गए हैं आप यहाँ पर क्लिक करिएगा बैक टू लॉग इन सो आपका ई मेल तो वही है और पासवर्ड वो होगा जो आपने बनाया है तो जल्दी से मैं लॉग कर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ so, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर बी एड अप्लाई फॉर पीजी सेकंड फाइनल अप्लाई फॉर यूजी सेकंड और थर्ड ईयर फ्रेश डिप्लोमा कोर्स फ्रेश पीजी प्रीवियस फ्रेश यूजी कोर्सेज आप यहाँ क्लिक करिएगा फ्रेश यू जी कोर्सेस अब आपको यहाँ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि वेब रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा होता है देन वेब रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये सब लिख लेता हूँ मैं वेब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना है कि आप फिजिकल हैंडी हैं या नहीं फिज़िकल हैंडी हैं तो यस करिएगा अब यहाँ आपको अपना नेम लिखना है देन अपनी माता का नाम देन अपनी पिता का नाम और फिर नीचे आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है कि आपके फादर क्या करते हैं फार्मर हैं सर्विस करते हैं वो लिख देना है देन आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन चूज़ करना है हिंदू चूज़ करना है रिलीजन और जेंडर चूज़ करके एड्रेस लिख दीजिएगा देन आप नीचे स्क्रॉल करिएगा अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फ़िल करनी होगी अगर आप पर कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट हो या कोई खेल कूद का कोई सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं आ, उसके बाद आपको नीचे अपनी हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है और इंटरमीडिएट की डिटेल फ़िल करनी है तो जल्दी से मैं ये फ़िल कर देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ स्कूल और इंटर की डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा तो जल्दी से मैं अपलोड कर देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको टिक लगा के क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिख कर आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर एक अपनी पीडीएफ अपलोड करनी होगी जो कि मैक्सिमम दो एमबी जिसका साइज हो जिसमें आधार कार्ड बैब रजिस्ट्रेशन नंबर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो जल्दी से मैं पी अपलोड करता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ जैसे ही आप डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर दोगे देन आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भीम यूपीआई किसी से भी आप टू फिफ्टी टू पी फिफ्टी टू फिफ्टी टू रुपीज़ आपको पेमेंट करना है इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा भर जाएगा आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि, कि किस तरीके से डीएस कॉलेज का फॉर्म फिल होता है मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं और आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई वीडियो लाता रहता हूं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन दबा लो जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डीएस कॉलेज जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी करेगा मैं उसके भी वीडियो रख के आपको बता दूंगा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दवा ले लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो ना वहाँ इंस्टेंट रिप्लाई देता हूं